काउंट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इतना वेट मेजर कर लिया, ठीक है। और जो भी किसी भी एटम का क्या है एटॉमिक वेट, उसी को हम किस में ले लें, ग्राम्स में, तो वही उसका क्या हो जाएगा, वन मोल, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सपोज मेरे पास है Na 23, Mg मेरे पास है 24, Al मेरे पास है 27, कैल्शियम मेरे पास है 40, पोटेशियम मेरे पास है 39, ठीक है, फास्फोरस मेरे पास है 31, सपोज सल्फर मेरे पास है 32, Fe मेरे पास है 56, ठीक। इन सभी का अगर मुझे बोला जाए कि मुझे क्या चाहिए, वन मोल, तो ये तो एटॉमिक मासेस तो AMU में, लेकिन अगर मैं इतने ही क्या ले लूं ग्राम्स में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वन मोल के बराबर। ये अगर मैं मैग्नीशियम कितना ले लूं 24 ग्राम्स, किसके बराबर हो जाएगा, वन मोल के बराबर। एल्यूमिनियम कितना ले लूं 27 ग्राम्स, किसके बराबर हो जाएगा, वन मोल के बराबर। ये कैल्शियम अगर मुझे वन मोल चाहिए तो कितने ग्राम्स लेना पड़ेगा, 40 ग्राम्स। तो किस कहानी सुनाने का इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि क्या किसी भी एटम का एटॉमिक वेट इन ग्राम्स इज इक्वल टू इट्स वन मोल ऑलवेज। किसी भी एटम का एटॉमिक वेट इन ग्राम्स इज इक्वल टू इट्स वन मोल, बस इतनी सी बात है। पहली बात समझ में आई, तो क्या है, पहले तो एग्जाम्पल बाद में लिखना, पहले एक डेफिनेशन लिख लो कि एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस एनी एटम इन ग्राम्स विल बी इक्वल टू इट्स वन मोल। एटॉमिक वेट ऑफ एनी एटम इन ग्राम्स, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एटम्स इन क्या ग्राम्स विल बी इक्वल टू इट्स वन मोल, विल बी इक्वल टू इट्स वन मोल। किसी भी एटम का जो भी एटॉमिक वेट होगा उसको अगर अपन ग्राम्स में ले लेते हैं तो वो क्या कहलाने लगेगा, उसका वन मोल, उसका क्या कहलाने लगेगा, वो वन मोल, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे क्या थे, सारे क्या थे, सॉलिड्स, तो क्या हमें ग्राम में मेजर करने में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोडियम का पीस लिया, उसमें से 23 ग्राम्स निकाल लिया, मेजर किया, तो वो क्या होगा, वन मोल के बराबर। और अगर ये सारे के सारे वन मोल हैं, तो इनमें अगर कोई पूछे कि इसमें अगर सोडियम 23 ग्राम्स लिया है तो वो वन मोल है, और अगर वो वन मोल है तो उसमें सोडियम के कितने एटम्स होंगे, 6.023 × 10²³। तो यहां से रिलेशन थ्रू मोल हम किसके बीच में देख रहे हैं, वेट के और नंबर के। बोलो देखे, अगर हमसे कोई बोले कि 40 ग्राम्स कैल्शियम में, कैल्शियम के कितने एटम्स होंगे, तो हमने देख लिया कि 40 ग्राम्स कैल्शियम मतलब कितना, वन मोल, और वन मोल है तो वन मोल में हमेशा कितने पार्टिकल होते हैं, 6.023 × 10²³। तो मोल सबसे पहली चीज तो क्या बताता है, नंबर, और हमने उस नंबर को किससे कनेक्ट कर दिया, वेट से, किससे कनेक्ट कर दिया, वेट से, कि किसी भी एटम का एटॉमिक वेट इन ग्राम्स विल बी इक्वल टू इट्स वन मोल, एंड इफ दैट सब्सटेंस इज हाउ मच, वन मोल, दैट मींस इट हैज हाउ मेनी पार्टिकल्स, 6.023 × 10²³ पार्टिकल्स। इतनी बात समझ में आती है, तो ये एग्जाम्पल लिख लो, और ये वन मोल है, और वन मोल है तो इसमें इसके क्या रहेंगे, इतने पार्टिकल्स रहेंगे। वन मोल में 6.023 × 10²³ पार्टिकल्स हैं, तो हाफ मोल में कितने रहेंगे, पार्टिकल्स के नंबर का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 3.011 × 10²³। तो किसी भी काम की बात सबसे क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एटम इन ग्राम्स, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एटम इन ग्राम्स विल बी इक्वल टू इट्स वन मोल। और वन मोल तो सबसे पहली बात तो यही है कि इट इज इक्वल टू 6.023 × 10²³। तो यहां से हमने नंबर को किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राम्स से, थ्रू क्या, मोल, थ्रू क्या, मोल, ठीक। तो ये बात हुई हमारी किसकी, ये बात हुई किसकी, एटम्स की, किसकी बात हुई,
एटम्स की। अब हम बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल्स की। सपोज हमारे पास है NaOH, क्या है NaOH, NaOH एक मॉलिक्यूल है जो किस किस किन किन एटम्स से बना है, NaO और H से। Na का एटॉमिक नंबर 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो ये क्या हो गया 40। तो NaOH का 40 क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ये AMU है कि ग्राम्स है, AMU है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का वेट कभी 40 ग्राम्स नहीं हो सकता, वो तो क्या है AMU। लेकिन अगर मैं इसको किस में ले लूं, ग्राम्स में, तो ये ही इसके किसके बराबर कहलाने लगेगा, 1 मोल के बराबर, ठीक है। तो एटम्स में क्या, एटॉमिक वेट इन ग्राम्स विल बी इक्वल टू 1 मोल। तो मॉलिक्यूल्स में क्या, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स विल आल्सो बी इक्वल टू 1 मोल। एटम दिया तो एटॉमिक वेट ग्राम्स में 1 मोल के बराबर हो जाता है, मॉलिक्यूल दिया तो मॉलिक्यूलर वेट किस में, ग्राम्स में, किसके बराबर हो जाता है, 1 मोल के बराबर हो जाता है। बात खाता हूं, तो अगर मैं 40 ग्राम्स क्या लेता हूं NaOH, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर। अब ये मॉलिक्यूलर वेट ले रहे हैं, इसका मतलब बात किसकी हो रही है, मॉलिक्यूल्स की। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि 40 ग्राम्स NaOH में NaOH के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 40 ग्राम्स NaOH है तो वो कितने मोल है, 1 मोल। और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, हमेशा 6.023 × 10²³, लेकिन क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो ये पार्टिकल का नाम क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो 40 ग्राम NaOH में उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमसे कोई बोले कि 1 मोल NaOH ले आओ, तो हमें ये इतने मॉलिक्यूल्स काउंट नहीं करने, हमें इतना मॉलिक्यूल वे करके दे देना है कि 40 ग्राम NaOH है, इसका मतलब वो क्या है, 1 मोल है, और 1 मोल है इसका मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इतने ही होंगे, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि 40 ग्राम NaOH के ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, ना ना ऐसा नहीं करना है अपने को, है ना, ये क्या क्या सीखा है, यही गड़बड़ करेगा आगे जाके। 40 ग्राम NaOH में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, तो कहां से दिमाग लगाना शुरू करना दुबे जी, देखो कि 40 ग्राम NaOH मतलब 1 मोल NaOH, एक मॉलिक्यूल अगर NaOH होता सिर्फ कितना, एक मॉलिक्यूल, तो उसमें ऑक्सीजन एटम कितने होते, एक होते। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल NaOH का है तो उसमें ऑक्सीजन एटम एक है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के, 2, तो 3 में कितने होंगे, तो 30 में कितने होंगे, तो 300 में कितने होंगे, तो इसमें कितने होंगे, इतने ही होंगे ना, 16/40 कहां से आया, कुछ नहीं करना है अपने को, हर कुछ नहीं करना है ना, बहुत कंसेप्ट से ही चलना है, इसमें मैथमेटिक्स है। ये मोल मतलब 1 रुपए की 2 टॉफी तो 10 रुपए में कितनी, ये क्वेश्चन होता है मोल का, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमें अगर बोला जाए कि 40 ग्राम्स NaOH, तो बात हो रही है मॉलिक्यूल की, उसमें से पूछ क्या रहे हैं, एक एटम की बात पूछ रहे हैं, तो हमें मालूम है कि एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम लगता है, और 40 ग्राम्स लिया NaOH तो वो NaOH कितना मोल कहलाएगा, 1 मोल, और 1 मोल कहलाएगा तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल में एक एटम ऑक्सीजन का चाहिए, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम ऑक्सीजन के चाहिए, इतने ही चाहिए। बात आई समझ में। तो दूसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या है, दूसरा कंसेप्ट हमारे पास यह है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन क्या अगेन ग्राम्स विल बी इक्वल टू इट्स 1 मोल, विल बी इक्वल टू इट्स 1 मोल। तो पहली बात हमने किसकी की, एटम्स की, दूसरी बात हमने किसकी की, मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स के केस में कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स, एटम के केस में कुछ नहीं, एटॉमिक वेट इन ग्राम्स वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, 1 मोल के बराबर। और जब एटम की बात कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि साहब अगर एटम किसी भी चीज का एटम 1 मोल है तो उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.023 × 10²³ होंगे। मॉलिक्यूल कितना भी वेट, मॉलिक्यूलर वेट जितना है वो हमेशा 1 मोल के बराबर कहलाएगा, और उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इतने होंगे,
ठीक है। सपोज अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, CO2। क्या CO2 एक मॉलिक्यूल है? है। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना? 12। ऑक्सीजन का कितना? 16+16, ये टोटल कितना हो गया? 44। अगर मैं 44 ही क्या ले लूं ग्राम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। अगर CO2 1 मोल है तो उसमें CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर लेकिन कितना दिया है? 44 ग्राम, तभी। अगर 44 ग्राम दिया है तभी, ठीक है। तो इसमें CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6.023 × 10²³, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात समझ में आती है? अगर तुमसे कोई पूछे कि 44 ग्राम CO2 है, उसमें कार्बन के एटम्स कितने हैं बताओ, तो जितने एक मॉलिक्यूल के लिए एक कार्बन एटम चाहिए, तो इतने मॉलिक्यूल के लिए कितने चाहिए? इतने ही चाहिए, तो इतने ही होंगे। अगर तुमसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे 44 ग्राम CO2 में, एक मॉलिक्यूल के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो इतने मॉलिक्यूल के लिए उससे डबल चाहिए, ठीक है। अगर तुमसे कोई बोले NH3 में N का कितना? 14 और 3 हाइड्रोजन का 3, कितना हो गया? 17। तो जैसे ही हमें मिलेगा क्या 17 ग्राम्स, तो वो क्या डिफाइन हो जाएगा? क्योंकि मॉलिकुलर वेट इन ग्राम्स को ही हम क्या बोलते हैं? 1 मोल, और 1 मोल मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब तुमसे अगर कोई बोले कि 22 ग्राम CO2, अब 44 ग्राम्स कितना था? 1 मोल, तो 22 ग्राम्स कितना होगा? 0.5 मोल। तो यहां से हम एक छोटा सा रिलेशन निकाल लेते हैं कि मोल इक्वल्स टू वेट ऑफ द सब्सटेंस इन क्या? ग्राम्स। अगर मॉलिक्यूल है तो डिवाइडेड बाय इट्स क्या? मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट हमें दिया है कितना? 22, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना CO2 का? 44। तो ये हमारे पास मोल्स कितने हो गए? 0.5 मोल्स हो गए। तो ध्यान से सुन ले, नहीं तो पूरा साल निपट जाएगा तेरा। क्या फॉर्मूला, क्या रिलेशन आया वेट का मोल से? वो रिलेशन है तो देख देख के बता रहा है, तू समझ नहीं रहा। ये जिन लोगों ने मोल पढ़ लिया है वो समझ रहे हैं कि मोल क्या है, तू मोल का मोल नहीं समझ रहा है। मोल मोल नहीं है, वो अनमोल है। तू जरा ध्यान से सुन ले, नहीं तो वहीं आके मारूंगा मैं अभी। तो मोल का हम किससे रिलेशन निकाल रहे हैं? वेट ऑफ द सब्सटेंस से। क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमें क्या दिया? मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हमेशा किसका होता है? मॉलिक्यूल का। और इसी में हम और क्या लिख सकते हैं? मोल इक्वल्स टू वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स क्या? एटॉमिक वेट। अगर हमें क्या दिया? एटम्स दिए हो, ठीक है। तो सपोज मैं यहां एमजी को कह रहा था कि इसका एटॉमिक वेट 24 ग्राम्स है, तो ये कितना होगा? मतलब इसका एटॉमिक वेट तो 24 amu है, लेकिन अगर 24 को ही मैं ग्राम्स में ले लूं तो वो क्या हो जाएगा? 1 मोल। अब सपोज मुझे 12 ग्राम्स एमजी दिया है और मुझसे मोल पूछ रहे हैं, तो मोल क्या हो गया? वेट दिया कितना है? 12, और उसका एटॉमिक वेट है कितना? 24। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.5 हो गए। तो एटम के केस में वेट अपॉन क्या ले लेना? एटॉमिक वेट। और मॉलिक्यूल के केस में क्या ले लेना? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे नंबर ऑफ एटम्स की या अपन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि 6.023 × 10²³, ये तो नंबर है, ठीक है, इंटू क्या? मोल्स, किसी भी चीज के मोल्स। अब जैसे हम ले रहे थे 22 ग्राम्स क्या CO2, तो कितने मोल आए उसके? 0.5। तो सिंपल बात ये है कि 1 मोल में हमारे पास क्या होते हैं? 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 0.5 में कितने होंगे? 6.023 × 10²³ क्या? 0.5। तो 6.023 × 10²³ नंबर ऑफ क्या? मोल्स। ये हमेशा नंबर ऑफ एटम्स या हमें क्या बता देगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर 22 ग्राम CO2 थी तो उसके मोल कितने?
0.5, तो उसमें उसके मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? अगर उसका वेट हाफ है तो मोल भी क्या होंगे? हाफ। तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कितने होंगे? हाफ ही होंगे। नंबर ऑफ मोल्स हाफ होंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.011 × 10²³ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब इसी में आगे कोई क्या करेगा कि 22 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? तो जरा स्टेप वाइज देखना कि 22 ग्राम CO2 मतलब कितने मोल? 0.5 मोल। 0.5 मोल मतलब मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 3.011 × 10²³। इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसके? CO2 के। हमें निकालने क्या है? ऑक्सीजन के एटम्स। तो एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए कितने एटम चाहिए? दो। और मॉलिक्यूल है कितने? इतने। इतने हैं तो इसके लिए ऑक्सीजन एटम कितने चाहिए? × 2। तो इसमें वापस × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.023 × 10²³। ये किसमें होंगे? ये क्या होंगे? ऑक्सीजन एटम्स। किसमें? 0.5 मोल CO2 में। लेकिन CO2 क्या रह गई? हाफ। क्यों? क्योंकि CO2 का वेट भी क्या दिया था हमें? हाफ। तो उसके मोल्स भी क्या थे? तो उनका नंबर भी क्या हो गया? हाफ हो गया। लेकिन ऑक्सीजन तो एक मॉलिक्यूल में कितने? दो। तो इतने मॉलिक्यूल में भी कितने होंगे? × 2 होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पहली चीज हमने क्या की? पहली चीज हमने यह की कि मोल को किससे, मोल का रिलेशन किससे देखा? नंबर से। ठीक है, दूसरी तरफ मोल का रिलेशन किससे देखा? वेट से। तो हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया कि भैया मॉलिक्यूलर वेट, अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ग्राम्स में ले ले तो वो हमेशा इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। तो हमने ग्राम्स को डायरेक्टली किससे रिलेट कर दिया? नंबर से। ठीक है, तो मोल मतलब इट इज द की बिटवीन वेट एंड नंबर। समझ रहा बात को? तो इतने अगर 22 ग्राम CO2 है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने मॉलिक्यूल होंगे। ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा अभी मैं, बात आ रही समझ में? तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मोल को एक मीडिएटर बना लिया हमने वेट और किसके बीच का? नंबर के बीच का, और कुछ नहीं। ठीक, क्या ये एग्जांपल लिखना जरूरी है? नहीं, लेकिन ये जरूर लिख लेना कि मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर क्या दिया हो? मॉलिक्यूल। और मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट, जब क्या दिया हो? एटम दिया हो। जैसे Mg तो एटम है, Mg एटम है, तो 12 ग्राम्स Mg दिया हो और उसके मोल पूछ रहा हो, तो 12/24 वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय उसका क्या? एटॉमिक वेट। तो ये क्या दे देगा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे पास है, अगर हमसे कोई पूछे कि 12 ग्राम्स Mg में Mg के कितने एटम्स होंगे, तो मोल उसके कितने? 0.5। तो एटम्स भी क्या रहेंगे? हाफ हो जाएंगे। तो 6.023 × 10²³ से क्या रह जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक, तो मोल को हम किससे रिलेट करते हैं? नंबर से भी और वेट से भी। तो मोल इज द लिंक बिटवीन, मोल इज द लिंक बिटवीन वेट एंड नंबर, वेट एंड नंबर। क्वेश्चन लिखो एक। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। पहला, 4 ग्राम्स NaOH, 4 ग्राम्स NaOH। नेक्स्ट, 10 ग्राम्स CaCO3, 10 ग्राम्स CaCO3। नेक्स्ट, 5.85 ग्राम्स NaCl, 5.6 ग्राम्स Fe। नेक्स्ट, 9.8 ग्राम्स H2SO4। नेक्स्ट, 9.8 ग्राम्स H3PO4। नेक्स्ट, 4.4 ग्राम्स CO2। नेक्स्ट, 180 ग्राम्स 4.4 ग्राम्स CO2। नेक्स्ट, 180 ग्राम्स H2O, 180 ग्राम्स H2O। नेक्स्ट, 3.2 ग्राम्स
O2. Next, 44 grams CO2. Next, 10.6 grams Na2 CO3. 10 हो गए, 11 हो गए, तो 15 कर लेते हैं. 50 grams कैल्शियम कार्बोनेट, 50 grams कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट 58.5 ग्राम्स एनएसीएल. नेक्स्ट